गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को बॉडी एग्जाम के नज़र में रखते हुए पी ब्लॉक के कुछ टॉपिक को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक आपको हाइबर प्रोसेस से, हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण के बारे में है कि औद्योगिक स्तर पर हम अमोनिया किस विधि से बनाते हैं। तो हम औद्योगिक स्तर पर अमोनिया हाइबर विधि से बनाते हैं, हाइबर प्रक्रम से बनाते हैं। तो हाइबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या क्या परिस्थितियाँ सूटेबल होती है, उपयुक्त होती है, जिससे हम अधिक मात्रा में, कम समय में, कम खर्च पर ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बना लें। तो चूँकि हम ऑलरेडी जानते हैं सिद्धांत के दृष्टि से, ला सतेलिए के नियम से हम हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक, इसका सिद्धांत यह है कि अमोनिया का निर्माण ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? अमोनिया का निर्माण ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। मतलब कि जब अमोनिया बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, तो इसमें ऊष्मा निकलती है। तो कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो ऊष्मा क्षेपी हो, वैसी अभिक्रियाओं का यदि हम ताप पहले ही बढ़ा दें तो उत्पाद का फॉर्मेशन कम होता है, वो सूटेबल परिस्थिति नहीं होती है। क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बनने पर ऊष्मा क्षेपी होने के कारण उत्पाद बनेगा तो खुद ही ऊष्मा निकलेगी, और उस ऊष्मा को ला सतेलिए के नियम के अनुसार वो संतुलित करने के लिए वह अभिक्रिया आगे नहीं जाकर पीछे जाने लगती है। मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनने के बजाय अमोनिया बनी ही अमोनिया टूटने लगती है, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी है। इसलिए ला सतेलिए के अनुसार अमोनिया निर्माण में कम ताप की आवश्यकता होती है, फर्स्ट टॉपिक। और दूसरा, चूँकि अमोनिया जब बनता है तो इसमें अणुओं की संख्या घटती है। क्या होती है? अणुओं की संख्या घटती है। तो दाब जो है कि जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो दाब कम होता है, और कम दाब होगा तो हम अधिक उत्पाद बनाने के लिए दाब को बढ़ा देते हैं। क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो उस दाब को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगे बढ़ेगी तो आगे जाने पर दाब कम होता है, तो वह हम जो ही बढ़ाएंगे तो उसको कम करने के लिए अभिक्रिया आगे जाएगी, मतलब कि उत्पाद का निर्माण होगा। तो उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या है? कम ताप, उच्च दाब, और इसमें आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अब उत्प्रेरक को सक्रिय रखने के लिए इसमें मोलिब्डेनम वर्धक का भी प्रयोग करते हैं, जिसकी अभिक्रिया निम्न है, हम देख सकते हैं। जैसे आपका N2 प्लस 3H2 ले लेंगे, और सूटेबल परिस्थितियाँ आपका पहले ही बता दिए हैं कि कम ताप, इसमें जो दाब लेंगे 200 एटमॉस्फेरिक ले लेंगे, और ताप 700 केल्विन, Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक का प्रयोग करते हैं, तो 2NH3 अमोनिया मिलती है। यही जो है कि इसका रासायनिक समीकरण होता है। तो सिद्धांत समझ में आ गया, कह रहा है कि चूँकि कम ताप और उच्च ताप पर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम औद्योगिक स्तर पर हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब इसके विधि में देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1:3 के अनुपात में, 1:3
तीन के अनुपात में ये एक रेशियो जो है कि नाइट्रोजन का और तीन रेशियो हाइड्रोजन का, एक संबंधी तीन के अनुपात में हम सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिश्रण को संपीड़क से उस पर उपयुक्त दाब डाल देते हैं। एक संबंधी तीन के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे और उसको संपीड़क से दबा देते हैं, प्रेशर देते हैं और उसको हम संपीड़क से दबाने के बाद ले जाते हैं सबसे पहले शुद्ध एवं शुष्कन कक्ष में, ड्राइंग एंड प्यूरिफाइंग चैम्बर में, जहाँ पर गैसीय मिश्रण में जो भी अशुद्धियाँ होंगी दूर हो जाएंगी और गैस में नमी होगा वो भी दूर कर लिया जाएगा। उसके बाद जब शुद्ध हम शुष्कन कक्ष में गैस शुद्ध और शुष्क हो जाती है तो वहाँ से उसको उत्प्रेरक कक्ष में ले जाती है, यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर 700 केल्विन ताप पर Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक रखा रहता है। जब गैसीय मिश्रण यहाँ से गुजरता है तो कुल आयतन का 10% अमोनिया बनती है। चूँकि हम ऑलरेडी जानते हैं अमोनिया का निर्माण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो तुरंत बनी हुई अमोनिया जो 10% बनती है टूटने लगती है। तो हम कैसे प्राप्त करें भाई, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम इसे तुरंत यहाँ से उत्प्रेरक कक्ष से कूलर में भेज देते हैं। तो कूलर में भेजते हैं तो बनी हुई अमोनिया तुरंत द्रवित हो जाती है। फिर शेष बचे हुए गैसीय मिश्रण को जो कि 90% बचा रहता है, पंप के द्वारा यहाँ से फिर उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, फिर अमोनिया बनती है, फिर शीतलीकरण में भेजते हैं और इस प्रोसेस को हम बार बार दोहराते हैं और द्रव अमोनिया प्राप्त होती रहती है। तो यह विधि है आपके हाइवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का जो है कि प्रोसेस, और ये है आपका इसका संयंत्र। तो जैसे पहले हम बता चुके हैं एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं सिद्धांत में कि अमोनिया का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और अणुओं की संख्या घटती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो लास तिलिये के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अमोनिया का निर्माण उपयुक्त परिस्थिति होती है, जिसके लिए हम ये जो है कंडीशन का फॉलो करते हैं। ठीक है ना, इसे स्टडी कीजिए और अगले कंपाउंड्स जो इसका है या टॉपिक उसको हम अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए स्टडी कीजिए। थैंक्स।